दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज पांचवा दिन है, जिसके चलते जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली कूड़े की राजधानी बन गई है। सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्हें काफी वक्त से तनख्वाह नहीं मिली, तो वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार कह रही है कि हड़ताली कर्मचारियों के लिए 119 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। इस बीच आज एनजीटी ने दिल्ली के बिगड़े हालातों पर चिंता जताई है और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और तनख्वाह को लेकर दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन को नोटिस जारी कर कल तलब किया है। कूड़े के निपटारे को लेकर एनजीटी ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जिसमें एनपीसीबी, एनसीटी, डीपीसीसी, एमसीडी और डीडीए मेंबर्स होंगे। वहीं 4 स्वतंत्र मेंबर होंगे। ये कमेटी 6 हफ्ते में कूड़े के निपटारे की व्यवस्था और खामियों की रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक कम से कम 5 बार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो चुकी है। देश के सभी मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा कूड़ा दिल्ली में होता है। दिल्ली में रोज 10,000 टन कूड़े का ढेर पैदा होता है। एक आंकड़े के अनुसार 2021 तक दिल्ली में कूड़ा डालने के लिए 6,920 एकड़ जगह की जरूरत पड़ेगी, जबकि अब तक दिल्ली NCR में नए कूड़े घर की कोई जगह अभी तय नहीं हुई है। तो दिल्ली में जगह जगह फैले कूड़े से जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं एनजीटी ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन से जवाब मांगा है। देखते रहिए डीबी लाइव।